तो पपीहे जैसे, जो स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के लिए उल्टे हमेशा पड़ा रहे, पता नहीं कब प्रभु की कृपा बरसे। अब प्रेम हो तो प्रीति करो, ऐसी करो प्रीति करो, ऐसी करो जैसे लोटा डोर गला फसाए आपनो, पानी पिए कोई। प्रेम करना है तो ऐसा करो जैसे लोटे और डोरी का प्रेम है। मुसाफिर आता है, लोटे के गले में रस्सी फंसाता है, पानी भरता है, पानी पी के चला जाता है। ऐसी प्रीति को सदैव अमरता मिलती है। सती अनुसुईया की चर्चा चल रही थी। जिसने भी इस जीवन में त्याग किया है उसे भगवान ने फल दिया, और वेदांत में तो यहाँ कहा कि परित्यागी सदा प्रिय सन्यासी ममोदेही। त्यागी प्रिय है, परित्यागी प्रिय है, पर सन्यासी मुझे मेरे शरीर के समान प्रिय है। क्यों कहते हैं ऐसा स्कंद पुराण में? अनुसुईया की तीन देव परीक्षा लेने आए हैं। माँ मुझे भिक्षा चाहिए, द्वार पे पहुंच गए, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। बाबा अलग जगावे तो संसारियों से भिक्षा पावे, नहीं भूख और सो जाए। शुभ मंगलम भवतु भिक्षाम देहि। द्वार पे पहुंच गए, आदिशक्ति की परीक्षा ले रहे, कहते माँ हमें तेरे हाथ से भोजन करना है, वो भी निर्वस्त्र अवस्था में। सती अपने पति के जीवन शैली बदल देती है। माँ उन्होंने स्वीकार किया और पानी उठाया कमंडल से, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म गणितव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम। और तीनों देवताओं को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। और तीनों देवियां उनको ढूंढने चली। एक कल्पना है हमारे अवधि भाषा में गाई जाती है कि रेशम की डोरी, अरे रेशम की डोरी सोने का पाल ना, रेशम की डोरी सोने का पाल ना। और तीन देव झूल रहे सती जी के आगे। में डाल कर झुला दिया, सारी सखियां आई, वापस किया और उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु इस बार तो बाल स्वरूप में, लेकिन अगली बार तो भगवान ने उनकी प्रार्थना से पुनः दत्तात्रेय का उतार लिया था। मेरे प्रभु कभी किसी का तिरस्कार नहीं करते, क्योंकि लिखा है वेदों ने कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश जिनकर भेद को पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच न। भगवान ने इस अवतार में अनर्क को और प्रहलाद को दीक्षा दी है, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का मार्ग दिखाया।
प्रजापति की पत्नी रुचि के यहां से यज्ञ के स्वरूप में भगवान ने उतार लिया। जब जहां जिस समय देश परिस्थिति के अवतार हुआ, भगवान ने सदैव जगत कल्याण की बात करी है। अष्टम मेरुदेव्याम तुम नाभे जात उरुकमः दर्शयन वत्म क्षीराणाम सर्वा सर्व नमस्कृतम। राजा नाभि की पत्नी से, मेरी धोबी के गर्भ से ऋषभ देव का आठवां अवतार हुआ। भगवान के 21 अवतारों का वर्णन है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व लोग मत्स्य अवतार, 12 अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार को देते हैं। नौवां अवतार भगवान ने मत्स्य स्वरूप में लिया था। जब देव दैत्यों ने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन का अर्थ है सब कुछ नष्ट कर देना, निकाल लेना, मत्स्य अवतार लिया और जगत का कल्याण किया। कई बार क्या होता है, आप शिव है या शक्ति, लेकिन शांति सबसे बड़ी दौलत होती है। अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट वुमेन सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। एक शब्द के दो तरीके से समझना होता है, एक भावार्थ और दूसरा लक्ष्यार्थ। जो बोलता है वो बड़े सुंदर शब्दों में बोलता है, लेकिन निर्भर करता है कि सामने वाला उसको कितना अपने लक्ष्य में ले आता है। हम कथाएं करते हैं, हम अपने हिसाब से बड़े सुंदर व्याकरण दृष्टि से प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन अगर श्रोता के कर्ण स्रोत ही बधिर हो तो आप ट्यूबवेल करो, अगर जल स्रोत ना मिले तो ये प्रारब्ध का लीला है। और यहां बैठ करके जब आप ये भाव करेंगे कि वास्तव में मुझे आज भगवान से प्रार्थना करनी है, परमात्मा मेरा विवेक कभी शून्य ना हो, मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, गौ ब्राह्मण सिद्ध संतों का कभी अपमान ना हो, और ऐ बिहारी, ऐ मेरे सामरिया सरकार, जिस तरीके से मनु और शत्रुपा के प्रार्थना से प्रसन्न हो करके उनका पुत्र बनकर आ गए त्रेता में, दशरथ कौशल्या मनु शत्रुपा है पूर्व जन्म की, उस वक्त के भाव पर उनके पुत्र बनकर आ गए, ऐसे आप मेरे बच्चों में सद्बुद्धि देना जो नर से नारायण स्वरूप में बने, इस भाव से कथा सुनी जाती है। चले कथा को आगे बढ़ाएंगे और इन अवतारों के लिए एक बार बोले बोल बाग के बिहारी लाल की जय। हाथ ऊपर उठाइए थोड़ा सा और कर तल। सत्संग में जब आते हो ना तो ये शरीर से तीन काम करो, नेत्रों से हरि दर्शन की अभिलाषा, जिहवा से हरि नाम उच्चारण और इन हाथों से मधुर करतल। ओ मेरो सांवरिया सरकार, ओ मेरो सांवरिया सरकार, नाम
मेरी ना वो मेरी ना वो मेरी ले जाना उस पार।